नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास मोस्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं आण्विक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, आण्विक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, देखो जब हम किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा आपको स्पेक्ट्रम के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा। ठीक है, यदि हम परमाणु का स्पेक्ट्रम निकाले, यदि हम परमाणु का स्पेक्ट्रम निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाण्विक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और किसी अणु का निकाले तो उसको हम बोलते हैं आण्विक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर है। किसी परमाणु का अगर स्पेक्ट्रम निकाला जाए तो परमाण्विक स्पेक्ट्रम, किसी अणु का स्पेक्ट्रम निकाला जाए तो आण्विक स्पेक्ट्रम। बस इतनी सिंपल सी बात हमको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस प्रकार क्या, जिस प्रकार परमाणु के बारे में जानकारी देता है, परमाणु के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है, उसी प्रकार आण्विक स्पेक्ट्रा किसके बारे में, आण्विक स्पेक्ट्रा अणु के बारे में जानकारी देता है, अणु के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, परमाण्विक स्पेक्ट्रम यानी कि परमाणु का स्पेक्ट्रम, आण्विक स्पेक्ट्रम यानी कि अणु का स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब भी हम परमाण्विक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वो किसके बारे में जानकारी देगा, परमाणु के बारे में जानकारी देगा, और जब भी हम आण्विक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो वो अणु के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। ठीक है, एक बात वो याद रखना, जो परमाण्विक स्पेक्ट्रम होते हैं, परमाण्विक स्पेक्ट्रम सरल होते हैं, सरल होते हैं, और आण्विक स्पेक्ट्रम जटिल होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, अब देखो मेन चीज की बात करनी है, मैंने ये तो आपको सिंपल सी जानकारी दे दी, लेकिन हमको जो यहाँ पे बात करनी है वो क्या बात करनी है, वो हमारे पास एक टॉपिक है, कौन सा, बोर्न ओपेन हीमर सन्निकटन, या इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। इसके बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है, यहाँ बात करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो बोर्न ओपन हीमर सन्निकटन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है तो एक अणु में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक अणु में कई प्रकार की एनर्जी होती है, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है, ऊर्जाएं होती है। ठीक है, एक अणु में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी ऊर्जा होती है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास एक ऊर्जा होती है स्थानांतरण ऊर्जा,
कौन सी? स्थानांतरण ऊर्जा। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं ई टी आर ए, यानी कि ट्रांसफर एनर्जी। क्या? ट्रांसफर एनर्जी। ये एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? जब अणु का स्थानांतरण होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण होता है, तो ये वाली ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो स्थानांतरण ऊर्जा नाम से ही पता लग रहा है, स्थानांतरण। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यह ऊर्जा अणु के स्थानांतरण से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यह ऊर्जा अणु के स्थानांतरण से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण ऊर्जा। ठीक है, सिंपल सिंपल से बता रहा हूं, एक अणु में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? पहली तो स्थानांतरण ऊर्जा। ठीक है, जो दूसरी ऊर्जा होती है वो होती है घूर्णन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? घूर्णन ऊर्जा। ठीक है, घूर्णन का मतलब रोटेशन करना। ठीक है, क्या करना? रोटेशन करना। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, अणु है, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। घूर्णन का मतलब समझना है ना, जैसे हम पहले लट्टू घुमाते थे इस तरीके से चक्री से, ऐसे ही यहाँ पे घूर्णन हो रहा है। तो घूर्णन के लिए मैं लिख देता हूँ ई आर, आर का मतलब रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा। तो इसको हम लिखते हैं यह अणु के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, यह अणु के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, जब भी अणु का घूर्णन होगा यह उत्पन्न होगी। क्लियर है? अणु के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। तीसरी एनर्जी। ठीक है, दो एनर्जी हो गई, स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा। एक हमारे पास होती है कंपन ऊर्जा। कौन सी? कंपन ऊर्जा। कंपन यानी कि वाइब्रेशनल। ठीक है, वाइब्रेशनल, जब कोई अणु परमाणु आपस में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इस तरीके से कंपन का मतलब तो आप समझ गए ना, इस तरीके से हिलते हैं, कंपन करते हैं। तो वहां पर जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं कंपन ऊर्जा। ठीक है, तो कंपन ऊर्जा क्या होती है? कंपन करना। तो यहां लिख देता हूं यह ऊर्जा, इसको क्या लिख देता हूं? ई वी लिख देता हूं, वी यानी कि वाइब्रेशनल। यह ऊर्जा अणुओं में, यह ऊर्जा अणुओं में परमाणुओं द्वारा एक दूसरे के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष कंपन से उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन करने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कंपन ऊर्जा कह रहे हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? ई वी लिख रहे हैं, वाइब्रेशनल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? कंपन ऊर्जा हो गई। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा, ई ई। अब ये इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा क्या है वो हम बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। किसकी ऊर्जा होती है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ठीक है, जो
ऊर्जा स्तरों में उपस्थित होते हैं, जो ऊर्जा स्तरों में होते हैं, जो ऊर्जा स्तरों में होते हैं। ठीक है, जैसे ऊर्जा स्तर होते हैं ना, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर ऊपर ऊर्जा, उच्च ऊर्जा स्तर होते जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ अणुओं में भी अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। तो चार प्रकार की ऊर्जा आपको याद रखनी है, एक तो स्थानांतरण ऊर्जा, एक घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा। ठीक है, ये चार प्रकार की एनर्जी हमारे पास होती है, इनकी हमें बात करनी है। ठीक है, अब देखो बोर्न ओपन हीमर के द्वारा, बोर्न ओपन हीमर के द्वारा, हीमर के द्वारा इन सभी ऊर्जाओं को निम्न प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, बोर्न ओपेनहाइमर के द्वारा इन सभी ऊर्जाओं को निम्न प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, E बराबर सबों का योग, हमको क्या करना है, सबों का योग करना है। ठीक है, तो ये वाली कौन सी ऊर्जा हो गई? E ट्रांस, है ना, यानी कि स्थानांतरण ऊर्जा, ट्रांसफर एनर्जी, प्लस ये दूसरी ऊर्जा कौन सी है? E R। ठीक है, तीसरी ऊर्जा कौन सी है? E V। और चौथी ऊर्जा कौन सी है? ई। ठीक है, तो ये सब ऊर्जाओं का हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। ठीक है, हमने स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इन सबों का हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? योग कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इस साइड का मैंने मिटा दिया। अब देखो यहां पे होता क्या है, इनमें से जो स्थानांतरण ऊर्जा ना, जो मैंने अभी अभी मिटा दी, और मिटाई भी कौन सी थी? स्थानांतरण ऊर्जा, उसी की बात कर रहे हैं। इनमें से जो स्थानांतरण ऊर्जा है वो क्वांटिकृत नहीं होती, इनमें से स्थानांतरण ऊर्जा को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इनमें से स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटिकृत नहीं होती है, क्वांटिकृत नहीं होती है। ठीक है, इनमें से स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटिकृत नहीं होती है, वह इसका मान बहुत कम होता है, मान बहुत कम होता है। ठीक है, स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटिकृत नहीं होती है, वह इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, अतः निम्न ऊर्जा ही उपयोगी है, अतः निम्न ऊर्जा ही उपयोगी है, उपयोगी है। ठीक है, निम्न ऊर्जा ही उपयोगी है। तो ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा तो हमने कैंसिल कर दी, तो बाकी की ऊर्जा कौन कौन सी बची हमारे पास? ठीक है, एक तो क्या बची? घूर्णन ऊर्जा। ठीक है, यही बची ना, कौन कौन सी बची? एक तो बची हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, चलो ये ऐसे बता देता हूँ, घूर्णन ऊर्जा, एक हमारे पास बची कंपन ऊर्जा, और एक हमारे पास बची इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ये तीन प्रकार की ऊर्जा बची। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा मान जो होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा का मान होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? वाइब्रेशनल एनर्जी की तुलना में। ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी का जो मान है वो किससे ज्यादा होता है? रोटेशनल के में। ठीक है, ई आर लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं, मैंने पूरा लिख दिया। और सबसे कम किसका होता है? स्थानांतरण ऊर्जा का, तो वो तो मैंने पहले ही हटा दिया, अगर उसको मैं लिखता तो यहाँ पे लिखता। सबसे ज्यादा मान इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा,
फिर उसके बाद कम हो गया वाइब्रेशनल में, और सबसे कम ई रोटेशनल में। ठीक है, अब देखो मैंने ये तीनों ऊर्जा के मान लिख दिए। अब हम एक चीज मानते हैं, माना अणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर। देखो मैं मान लेता हूं जैसे कोई अणु है, अणु में जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वहां पे जो ये एनर्जी है ना, जो ये एनर्जी है तीनों की, तीनों एनर्जी है वो मैं मान लेता हूँ ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई, ये तीनों एनर्जी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, क्रम आप ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में हो सकता है आपको पहले ई इलेक्ट्रॉनिक मिले, ई वाइब्रेशन मिले और ई आर आपको लास्ट में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हैं। देखो अणु में जैसे हमारे पास कोई परमाणु होता है वहां पे निम्न ऊर्जा स्तर होता है या उच्च ऊर्जा स्तर होता है, जैसे निम्न ऊर्जा स्तर होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है, ऐसे ही अणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर है। जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट है, उसको इस केवल प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और अणु में उच्चतम ऊर्जा स्तर, अणु में उच्चतम ऊर्जा स्तर की बात हम कर रहे हैं, अणु में उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो जब उच्चतम ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई। ठीक है, मैंने ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब उच्चतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, अतः कुल ऊर्जा परिवर्तन हमको लिखना है, कुल ऊर्जा परिवर्तन, कुल ऊर्जा परिवर्तन लिखना है। तो कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा हमारे पास, ठीक है मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक है, तो कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा, निम्नतम में से ये घटा देंगे, ठीक है जितनी ऊर्जा इसकी है उसमें से ये वाली ऊर्जा घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई माइनस ई डैश हो जाएगा, ई माइनस ई डैश हो जाएगा। तो इसको हम, इन दोनों के अंतर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ई माइनस ई डैश ये आर आर, तो सबों में से सबों को घटा लेंगे। ठीक है, जो भी ऊर्जा है जो भी मान है, ठीक है सबों में से, जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर लिख के आप माइनस कर सकते हो। तो मैं इनको सीधा ही लिख रहा हूँ, है ना, मैं इनको सीधा ही लिख रहा हूँ इन दोनों के अंतर को। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डेल ई, ठीक है डेल ई, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, सॉरी है ना, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ ई डैश माइनस ई, है ना, ज्यादा ऊर्जा वाले में से कम घटेगा ना, ज्यादा ऊर्जा इसकी है तो कम वाला ये घट जाएगा। तो ई आर डैश में से ई आर घटा देना, ई वी डैश में से ई वी घटा देना, ई डैश ई में से ई ई घटा देना। ठीक है, ये हम यहाँ पे घटा देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल ई आर प्लस डेल ई वी प्लस डेल ई ई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, तीनों प्रकार की ऊर्जा हो गई। यहाँ पे जो घूर्णन और कंपन है ना वो स्वतंत्र होते हैं, यहाँ जो घूर्णन ऊर्जा होती है ना, यहाँ पे जो घूर्णन व कंपन स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो घूर्णन ऊर्जा प्राप्त होती है, कंपन ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बोर्न ओपेन हीमर सन्निकटन, बोर्न ओपेन हीमर सन्निकटन, कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बोर्न ओपन हीमर सन्निकटन हम यहां पर कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या बात हुई, ऊर्जाओं की बात हुई, ठीक है। ऊर्जाओं की बात हुई, चारों ऊर्जाओं की, जिनमें से हम तीन ऊर्जा को ही काम में लेते हैं और टोटल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो ये पूरा हमारे पास क्या कहलाता है, बोर्न ओपन हीमर सन्निकटन, या फिर आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति कैसे दी जाती है, वो भी हमारे पास यही सेम चीज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।